फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज होते हैं और मेरे क्लासरूम में अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते ही हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें जहाँ एक सेंटेंस में दो बार का या की होता है। जैसा कि मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि मैं आपको यह बात आसानी से सिखा सकूँ। तो आइए फ्रेंड देखें कि क्या कंफ्यूजन है। मेरी माँ की बहन का लड़का एक डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने लिखा एक बार की फिर लिखा का। तो अक्सर लर्नर मुझसे ये पूछते हैं कि यहाँ का या की के लिए क्या हम दो बार अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूँगा नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप पहले पार्ट को यानी पहले की के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है आप उसको अपोस्ट्रोफी एस के मदद से ट्रांसलेट करेंगे और जो नाउन दूसरे का या की से जुड़ा हुआ है उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर खास बात यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप दूसरे नाउन को लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखा है का लड़का तो आप लिखेंगे द बॉय ऑफ। सबसे पहले आप दूसरे नाउन को ऑफ के साथ लिखेंगे, उसके बाद आप अपने पहले नाउन को लिखेंगे मेरी माँ की बहन, तो मेरी माँ यानी माई मॉम की क्रिया आप लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस और बहन का होगा सिस्टर। आगे लिखा हुआ एक डॉक्टर है तो आप लिखेंगे इज अ डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके एक ही वाक्य में दो बार का या की लिखा हो और उनके साथ कोई नाउन जुड़ा हो तो पहले की के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा का या की प्लस नाउन के लिए आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन का तरीका ये है, सबसे पहले आप दूसरे का और नाउन को लिखेंगे, उसके बाद आप अपने पहले का या की के साथ जो नाउन आया हुआ है उसे लिखेंगे। हो सकता है कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए हों। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके। मेरे दोस्त के पापा की बहन बीमार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला के आपको दिख रहा है जिससे ये दो नाउन जुड़े हुए हैं और आगे आपको दिखा की बहन, तो ये पहले के या की के लिए आप लिखेंगे अपोस्ट्रोफी एस, यानी यहाँ पर अभी के लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर की भी लिखा हो सकता है। सेंटेंस के हिसाब से कभी का कभी की कभी के आते रहते हैं। और दूसरे की के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है उसे आप ऑफ की मदद से ट्रांसलेट करेंगे और जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले ऑफ के साथ दूसरा नाउन लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ की बहन यानी द सिस्टर ऑफ, द सिस्टर ऑफ यानी की बहन। अब यहाँ पे लिखा है उसके दोस्त के पापा तो आप कहेंगे हिज फ्रेंड्स फादर। मैंने इस के लिए लिखा अपोस्ट्रोफी एस, बीमार है इज इल। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ एक ही सेंटेंस में दो बार की या के होते हैं आप उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सलमान के दोस्त के पड़ोसी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले के पड़ोसी के लिए आप लिखेंगे द नेबर्स ऑफ यानी के पड़ोसी, उसके बाद आप सलमान के दोस्त की इंग्लिश लिखेंगे और वो होगा सलमान्स फ्रेंड। अच्छे हैं आर गुड, चूंकि पड़ोसी ज्यादा है इसलिए मैंने लिखा आर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस बड़े आराम तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।